हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज देखो माधव की रसोई ब्लॉग में क्या बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ काजू बर्फी। तो उसके लिए मैंने एक कटोरी काजू भिगो दिए थे 2 घंटे पहले, और ये हमारे पास है आधा कप चीनी। बस 3 चीज़ों से हम बनाएंगे आज घर में बर्फी। तो जब बाज़ार से क्या लानी, इतनी महंगी मिलती है, आप घर पर इनको आसानी से बना सकते हैं। चलो बनाते हैं अपनी बर्फी। तो ये हमने जार में डाल के मिक्सी में मैं पीस देती हूँ। सब फाइन फाइन पेस्ट बनाऊंगी बर्फी के लिए। जो हमें बाजार से मिलती है वैसे ही बर्फी बनती है। कोई मेहनत नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाती है। सिर्फ 2 घंटे आप फ्रिज में रख दोगे तो बिल्कुल सेट हो जाती है बर्फी। ये हमारा पेस्ट बन के हो गया तैयार। तो अब मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच घी, और इसके अंदर मैं देसी घी डाल रही हूँ 2 चम्मच। पहले मैं नीचे से इसके लिए एक प्लेट निकाल रही थी। तो ये प्लेट निकाल के ये डब्बा मैंने निकाला घी का, और इसमें मैं डालूंगी घी। ये पेस्ट बनके देखो बिल्कुल तैयार हो गया, बिल्कुल फाइन बनके तैयार हुआ है। अगर हम बिना पिसे बनाएंगे तो भी बन जाती है, बिना भिगोए बनाए पीसेंगे तो भी उसका पाउडर फाइन ही बनता है। ये हमने भिगो के पीसे हैं। दिवाली पर ये बर्फी आप खुद घर पे बना सकते हैं। काजू बर्फी बहुत महंगी आती है, तो आप घर पे आसानी से थोड़ी सी चीज़ों में अपने परिवार के लिए आसानी से ये बर्फी बना सकते हैं। और ये है हमारे पास प्लेट जो मैं इसकी ग्रीस करके रख रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी ये पेस्ट। और पेस्ट डालने के बाद सारा निकाल लूँगी पेस्ट को इसमें से। और ये हमारा सारा पेस्ट हमने निकाल के इसमें डाल लिया। और इसको मैं बिल्कुल धीमी गैस के ऊपर बिल्कुल स्लो करके गैस इसको चलाऊँगी। जब तक इसको चलाऊँगी जब तक ये बिल्कुल जमने की फॉर्म में नहीं आ जाएगा। और इसमें मैंने आधा कप चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद मैं इसको चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें लम्स ना आ जाए, इसके लिए इसको मुझे बराबर चलाना होगा। तो मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक इसमें चीनी मेल्ट नहीं हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद मैं इसको इतना पकाएंगे और गैस को बिल्कुल कम रखेंगे जिससे कि ये नीचे तले में ना लगे और इसके अंदर बिल्कुल फाइन हो जाए, एक भी लम्स ना रहे। ये देखो हमारा पेस्ट, बस इसको ये देखना है कि बस जमने की फॉर्म में आ जाए। मैंने इसको 1 मिनट भी नहीं छोड़ा था, बस चलाती रही थी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके दिवाली पर ये काजू बर्फी ज़रूर बनाएं। बच्चों की पसंद बहुत, सबको पसंद आती है काजू बर्फी। बस थोड़ी देर और हम इसको चलाएंगे। घी, 1 कटोरी काजू, आधा चम्मच चीनी से ये हमारी बर्फी बनके तैयार होंगी। बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ देता है और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसे हम इसको निकालेंगे, देखेंगे ठंडा करके। इस चम्मच में मैंने थोड़ा ठंडा करने के लिए निकाला है
बस अभी थोड़ी सी कमी है तो मैं इसको इसी में डाल दूंगी। फिर से मैं इसमें देखूंगी थोड़ा सा निकाल के, पहले मैं इसको सारे चमचे के ऊपर से छुड़ा लेती हूँ। बस इसमें 2 चम्मच घी और डालूंगी। ना ज़्यादा घी लगता है इसमें। अब मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी कढ़ाई में चारों तरफ से। और अब इसको उतार के नीचे रख लूँगी, इसे ठंडा करूँगी। मैं इसको प्लेट में जो मैंने ग्रीस करके रखी हुई है इसमें मैं निकाल लूंगी इसको। ये हमारी काजू बर्फी, बस हमारी ये काजू बर्फी हमने इसमें जमा के रख ली है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये तो। ये मेरे हाथ से ना चांदी का वर्क छूट गया था तो वो इसके अंदर आ गया, तो मैं इसको अपने हाथ से निकाल के, ये हाथों से भी चिपक जाता है ना, तो मैं इसको निकाल के लगा रही हूँ इसके ऊपर। और इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। मैं ये वाला सिल्वर पेपर इस्तेमाल करती हूँ। और ये बहुत सॉफ्ट होता है। अब हमारी ये बर्फी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गई। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, फ्रिज में रखूँगी 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो ये बन के हो गई हमारी बर्फी तैयार। तो अभी मैं इसको कट लगा दिया है, इसका पीसेस बना दिए हैं, लेकिन अभी मैं इसको फ्रिज में दोबारा से रख दूंगी क्योंकि अभी मुझे आधा घंटा हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हो? तो कल की मैं बात बताती हूँ। कल मैंने काजू बर्फी बनाई थी, तो वो काजू बर्फी क्या हुआ कि मैं उनको रख के और मैं कहीं काम से चली गई, तो मेरे बच्चों ने क्या किया,
साफ थाली साफ करके रख दी, तो मैं आपको ना वो प्लेटिंग करके नहीं दिखा पाई कि वो उसको निकाल के मैं आपको दिखा सकूं। सेट करने के लिए फ्रिज में रख दी थी तो वो सब कुछ उन्होंने खा लिया। तो आज की वीडियो जो मैं डालूंगी उसमें जो मैंने काजू बर्फी बनाई है तो मैं आप उन उसको मैं प्लेट में रख के नहीं दिखा पाई क्योंकि बच्चों ने साफ कर दिया मेरे आने तक। तो प्लीज वीडियो को फुल देखें।